कि भाई हमें कुछ ऐसे चैप्टर बताइए जो कि अगर हम खाली करेंगे तो हमें सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपको सिंपली 600 से ऊपर स्कोर करना है तो अब जाके आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर नीट, जिनको अगर आप करेंगे तो आपके इजीली 600 प्लस आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आप इजीली 600 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप किस तरीके से नीट को क्रैक कर सकते हैं 4 मंथ्स के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी हमारे पास खाली 4 मंथ्स बचे नीट एग्जामिनेशन के अंदर। और इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई भी बोलता है भाई मुझे नीट क्रैक करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है, तो आपको सिंपली 600 से ऊपर स्कोर करना है तो अब जाके आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। अब आप 600 किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर 45 चैप्टर्स बताऊंगा नीट। तो अगर आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा, उनको आप अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको इजीली इतने मार्क्स मिल रहे होंगे या उससे भी ज़्यादा आपके आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर, जिसके आपके नियरली 360 मार्क्स कंटेन करती है। हमारा जो नीट का पेपर है वो 720 मार्क्स का आता है, उसमें से 360 मार्क्स खाली बायोलॉजी से आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए और हमारे नियरली 340 प्लस मार्क्स ईजिली आने चाहिए। तो यहाँ पे जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर हमको करेंगे खाली इन्हीं चैप्टर्स को करेंगे तो आपके नियरली 75 से लेके 76 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होंगे, जो कि नियरली 340 मार्क्स ईजिली आपके यहाँ से आ रहे होंगे। तो ये चैप्टर्स आपको बायोलॉजी के अंदर करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि 180 मार्क्स कंटेन करती है। तो इसमें से हमारे पास नियरली 140 मार्क्स ईजिली आने चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है केमिकल बॉन्डिंग, पी डी एंड एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, जीओसी, यूपैक नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आप ये चैप्टर्स 11 चैप्टर्स आ रहे हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपके नियरली 33 से 36 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होंगे, जो कि नियरली 140 प्लस मार्क्स आपको ईजिली मिल रहे होंगे केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर 180 आपके मार्क्स कंटेन करता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो ये यहाँ पे 14 चैप्टर्स है, इनसे आपके 33 to 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनसे आपके इजीली 140 मार्क्स आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। आपके पास नियरली 4 मंथ्स बचे हैं, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को करना है। मैं ये नहीं बोलता कि अगर आप खाली यही चैप्टर्स करेंगे तो आपके ईजिली 720 में 720 मार्क्स आएंगे। अगर आपको उतने मार्क्स चाहिए, 600 से ऊपर चाहिए, 650 से ऊपर चाहिए, तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। ये बस मैं उनके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो बिल्कुल जीरो पे है, उनको लग रहा है कि भाई हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बताइए जो कि अगर हम खाली करेंगे तो हमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये उनके लिए है। और आप काम भी कर सकते हैं, अगर आप ये पहले आप इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दीजिए, इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कीजिए, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है आप दूसरे चैप्टर्स पर भी जा सकते हैं। मैंने खुद ये अप्लाई किया था, मेरे पास खाली 6 मंथ बचे थे, मैंने खाली ये चैप्टर्स किए थे, फिर उसके अलावा मेरे पास कुछ टाइम था, फिर मैंने दूसरे चैप्टर्स किए तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया है। और अगर आपको देखना है कि आपको किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।